बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम इकरा अप्लाइड ग्रामर 1 से यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ बुक एक्टिविटीज़ को कवर किया है। आज हम स्पोकन एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 4? Use of has and have. Yes, the topic of unit number 4 is use of has and have. हम इस यूनिट में हैज़ और हैव का यूज़ लर्न कर रहे हैं इन राइटिंग एंड इन ओरल इन स्पोकन एक्टिविटीज ऑल्सो। सो कैन यू टेल मी, हैज़ हम किन प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं बेटा? सिंगुलर। सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ, वेरी गुड। एंड हैव? प्लूरल। प्लूरल प्रोनाउंस के साथ, वेरी नाइस। तो एक मिनट बा हैज़ की रिवीजन कर लेते हैं। हैज़ डज नॉट हैव, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, हैव डू नॉट हैव। यस, ये हम लोग अच्छे से बुक एक्टिविटीज़ में प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब हमने इनको अपनी स्पोकन में यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन। ओके स्टूडेंट्स, लर्न टू स्पीक इज आवर फर्स्ट ओरल सेगमेंट, लेकिन ये सेगमेंट करने से पहले हम गिवन वर्ड बैंक रीड करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बैट, वीडियो गेम्स, बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, हैट, बाइक, बाइसाइकिल, कंप्यूटर, कोट, लैपटॉप, मोबाइल, फुटबॉल, स्पोर्ट्स किट, डॉल, टॉयज, कलर बुक, बॉटल, ग्लव्स, स्वेटर, वॉच, रिंग, बैंगल्स, जैकेट, स्टोरी बुक्स, ग्लासेस, लॉन्ग स्कार्फ एंड शॉर्ट स्कार्फ। यस स्टूडेंट्स, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपका ये वर्ड बैंक किस चीज़ से मुतल्लिक है? बिलोंगिंग्स। यस, वर्ड बैंक इज गिवन फॉर बिलोंगिंग्स। आप ये जितने भी हमने वर्ड्स रीड किए हैं, ये सब हमारी बिलोंगिंग्स हैं। बिलोंगिंग्स मीन इस्तेमाल की चीज़ें। ये सब हमारी बिलोंगिंग्स हैं। अब हम इनको यूज़ करते हुए लर्न टू स्पीक भी करेंगे एंड आज के हम रिप्लाई भी करेंगे। यू हैव टू यूज़ द गिवन वर्ड बैंक फॉर स्पोकन एक्टिविटीज। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने फर्स्ट ओरल सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, विच इज़ लर्न टू स्पीक। और हमें क्या करना है? Tell your partner about two things you have and two things you do not have. Okay, beta? Given word bank ko hum use karenge apne answer mein by using this pattern. Example given hai, is tarah humne answer karna hai aur hume word bank se words select karne hain. Is tarah se hum answer karenge, I have a coat but I do not have a jacket. Okay students, so I am going to take answer from Subhata. Subhata will tell. Subhata, tell two things you have and two things you do not have. I have a bag but I do not have a color book. I have bangles but I do not have glasses. Very nice. इस तरह से आप लोग भी word bank से words choose करके टू थिंग्स बता सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ टेल योर क्लास अबाउट थिंग्स योर पार्टनर हैज एंड डज नॉट हैव। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सुबेथाज पार्टनर एंड आई एम गोइंग टू टेल अबाउट सुबेथाज बिलोंगिंग्स टू द होल क्लास। नाउ आई एम सुबेथाज पार्टनर एंड आई एम अ गर्ल ना, so that's why I'll use she has a bag but she does not have a color book.
शी हैज ग्लासेस बट शी डज नॉट हैव बैंगल्स. ओके स्टूडेंट्स, वी आर हियर विद द सेकेंड सेगमेंट ऑफ स्पोकन एक्टिविटी विच इज आस्क एंड रिप्लाई. और इस सेगमेंट में हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट आंसर्स देना सीखते हैं. यस, सो आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस टू माय स्टूडेंट एंड शी विल आंसर्स इन शॉर्ट फॉर्म. ओके स्वेता, डू यू हैव अ मोबाइल? नो आई डोंट. ओके, डज शी हैव अ मोबाइल? यस शी डज. ओके, इन दिस वे बाय यूजिंग द शॉर्ट आंसर्स you will practice this activity. Now we are going to do the second part of ask and reply, which is in the form of dialogue. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Do you have a bike? No, I do not have. Beta, you will use only don't, you will not use have. Okay, short answers humne dene hain, jisme hame have nahi use karna. Only we'll use do or does in your answer. Okay, once again, do you have a bike? No, I don't. Do you have siblings? Yes, I do. Does your father have a car? Yes, he does. Does your sister have a cold drink? Yes, he does. She does. Okay, do your friends have video games? Yes, they do. Very nice. By using the correct pronouns, you will give short answers and you will practice the both activities at your home with your friends and siblings. We will meet in next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.